दोस्तों हमने भी साइड से शेप बना लिया है। अब ये साइड से शेप बनाना है, तो शेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो एक एक वायर है, जो गुड्डी लगे हुए हैं, इनको आपको एक एक ऐसे ऐसे करके पूरे को सीधा करना है, एक एक को सीधा करना है। फिर सीधा करने के बाद में इसका सेपरेटर लगाते हैं, फिर कनेक्शन करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर मैं इसको पूरे को सीधा कर लेता हूँ, फिर इनके बारे में आपको बताऊँगा आगे क्या करना है आपको। तो दोस्तों हमने पूरे तार सीधे हो गए हैं। अब इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले इसमें सेपरेटर लगाना है, तो इसको साइड में कर लेते हैं, इसमें इधर इधर मोड़ लेते हैं। फिर इसमें तार हो गया, तो इसमें लगाते हैं सेपरेटर। वही पहले वाली प्रक्रिया, चार मिनट सेपरेटर लगाने, इस कोयलों को इसे उठाकर मैं लगाता हूँ सेपरेटर, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये पतले बारीक 22 नंबर वायर है, स्टार्टिंग के वायर है, तो उनको आपको एक 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 करके छाँट लेने हैं पूरे। जो 8 तार है, आपको 2, 2, 4, 6, 8 ये वायर है, 8 को आप एग्जस्ट कर लेना है। ऐसे ये 8 वायर हो गए, और 8 वायर ये है, हर कोयल का सेट था 2, 4, 6 और 8, 8 वायर आ गए। तो आपको मैं इसका सेपरेटर लगाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमने सेपरेटर की लीड काट ली है, तो हल्के हल्के हाथ से ये अपने थोड़ी थोड़ी ये कोयले हैं, थोड़ी इधर इधर इसको सरका लेना, इसे दबा लेना इधर इधर, इसके टच ना हो, इसमें इसे इसमें आसानी से सेपरेटर लग जाए। तो ये सेपरेटर ऐसे लगता है, ये सेपरेटर इसमें।